खतीब सोना मेरा हक खतीब सोना एदे वर्गा होर नी होना मुर्शिद मेरी जान सोना मुर्शिद मेरी जान मुर्शिद मेरी जान सोना मुर्शिद मेरी जान जग दे अंदर रहन दा वल मैनू मुर्शिद ने समझाया समझाया मुर्शिद ने समझाया खत्म नबूवत दा ए नारा हक खतीब ने लाया हक खतीब ने लाया खत्म नबूवत दा ए नारा हक खतीब ने लाया हक खतीब ने लाया मैं हां ओदा नौकर ते मैं हां ओदा नौकर ते ओ मेरा ए सुल्तान मुर्शिद मेरी जान सोना मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा डर कोई नहीं रहंदा मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा डर कोई नहीं रहंदा पीरो मुर्शिद वाला बंदा हस हस के दुख सहंदा हस हस के दुख सहंदा पीरो मुर्शिद वाला बंदा हस हस के दुख सहंदा हस हस के दुख सहंदा जांदे गाफिल होते खांदे कमला वाले लंग लंग जांदे गाफिल होते खांदे डुबण न देण मुहम्मद बख्शा डुबण न देण मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे हक खतीब सोना मेरा हक खतीब सोना एदे वर्गा होर नी होना मुर्शिद मेरी जान सोना मुर्शिद मेरी जान मुर्शिद मेरी जान सोना मुर्शिद मेरी जान समझ ना आवे कुछ समझ ना आवे कर थके तदबीरा लोकी कुछ समझ ना आवे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह की मोहब्बत से वफात होने तो हम तेरे हैं ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में शमाए रसालत के परवाने ओलिया अल्लाह के दीवानों का एक जम्मे गफीर है बड़ी तादाद में वो जो ज़्यादा बीमार तकलीफ में मुब्तला लोग हैं उनका भी एक जम्मे गफीर है हर सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भी जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है।
क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने रूहानी जिस्मानी जाहरी और बातनी शफाएं सूफी है बसफा हजरत किबले आलम पीर मसनफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दिली से पाई अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए इंशाल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों का जमे गफीर है, काफी ज्यादा रश है। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर करते हुए आपको दम और दुआ में ताकि शरीक हो जाए और साथ में आप सब लोगों की मुलाकात हो जाए। काफी इंतजार आप लोग कर चुके हैं। दम और दुआ से कबल जिंदगी के बस दो ही मिशन है, एक ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। और जब इंसान कोई भी काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करता है, कोई भी काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करता है, तो फिर उसका मददगार मेरा खुदा हो जाता है। इसलिए आप आए इस नीयत से, इस इरादे से कि हमें जो कुछ मिलेगा वो कोई बंदा नहीं देगा, जो भी देगा मेरा खुदा देगा। ये जो महीना गुजर रहा है ये औलिया अल्लाह का महीना है। वो कहते हैं अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब देखें कि इंसान का ईमान पहले उसके अंदर की जो मोहब्बत है ना अंदर की, उसके अंदर पुख्ता होता है तो फिर करम और मेहरबानी हो जाती है। आप आए हैं यहाँ बैठे हैं, लेकिन फैज किस तरह पाते हैं, इंसान को किस तरह फैज होता है, दाता अली हिजवेरी का उसे मुबारक जारी हो सारी है। अल्लाह ताला दाता अली हिजवेरी के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। लेकिन वजह क्या है, आज पूरे हिंदुस्तान में आप देखें लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से मुसलमान हैं। अब ये औलिया अल्लाह ने तरबियत कैसे की, किस तरह की, ना तो उन्होंने तीरो कमान चलाया, ना तो उन्होंने तलवार चलाई, उन्होंने सिर्फ ऐसा काम किया, इस तरीके से काम किया कि उन्होंने अपने रब को राजी किया। और जब बंदा रब को राजी कर लेता है तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि जिस तरफ वो अपना रुख करता है तो लोगों के सीने के अंदर खौफे खुदा आ जाता है, इश्के मुस्तफा आ जाता है। अब ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती अली अजमेरी दाता हुजूर के कदमों में जाते हैं फैज लेने के लिए, जाहिरी हयात में नहीं पर्दा फरमाए हुए उनके मजारे अक्दस में जाते हैं और अपनी नीयत और इरादे से उन्हें अपना मुर्शिद मानते हैं और मुर्शिद मान के वहां बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं तो फिर नतीजा खेज, एक नतीजा खेज लेते हैं, क्योंकि औलिया अल्लाह ने दीन कैसे फैलाया। और बैठ के वहां जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा करते रहते हैं, अतः के करते करते 40 दिन गुजर जाते हैं। और 40 दिन के बाद जब उनकी आंख लगती है, वहां एक आंख लग जाती है, तो ख्वाब की हालत में उन्हें दादा अली हिजवेरी मिलते हैं और कहते हैं ऐ मुईद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी, मैंने तुझे पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। अब लफ्ज क्या थे कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, और ये सुनकर वे उठते हैं तो देखकर हैरान होते हैं और फिर अपने सर पे जो रखी हुई दस्तार है वो दाता अली हिजवेरी की मजार की तरफ कदमों में रखते हैं और कहते हैं गंज बख्शो फैज आलम मजारे नूरे खुदा नाकसा रा पीरे कामल कामला रहनुमा। बस ये कहते हैं और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। और चलते हैं तो फिर क्या करते हैं, वहां से उन्हें कैसा फैज मिला, इंसानी अकल है। अब लीटर की बोतल में कभी 1.5 लीटर नहीं आ सकता, आधे लीटर की बोतल में लीटर नहीं आ सकता, ये कानून अकल का कानून है। लेकिन जब औलिया अल्लाह का कानून आता है तो फिर वो किस तरीके से, किस तरीके से रब उनकी सुनता है। अब देखिए ना, आप कहते हैं कि बंदा यहां से बैठा हुआ अमेरिका में बैठा हुआ है या दुनिया के किसी और मुख्तलिफ ममालिक बैठा हुआ है, दम यहां से हो रहा है, उसे फैज कैसे वहां हो रहा है। आप जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पढ़ाव किया, उन्होंने गए तबलीग के लिए, गए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाने के लिए गए, पहुंचे तो आप जानते हैं कि हिंदू मजहब ये कहते हैं कि मुसलमान जहां से या पानी पी ले वो पानी नहीं पिया जाता,
मुख्तलिफ किस्म की कबाहत होती है, तरीके होते हैं, तो उन्होंने एक मीठे तालाब पे पानी पे अपना डेरा जमा दिया और लम्हे फिक्र है जमा दिया। लेकिन उनके मुरीदों के अंदर कितनी अकीदत थी, या जो उनके चाहने वाले जान नसार थे उनके अंदर कितनी अकीदत थी। जब वहां वो बैठे तो कहा, वहां जो महाराजा के सपाही थे, फौज थी उसकी, वहां की मलकियत थी, उन्हें कहा तुम उठ जाओ, हमारे पानी को खराब कर रहे हो, तुम मुसलमान हो। इतने में कहा तो उन्होंने वही जाकर बात अपने मुर्शिद करीम ख्वाजा मुइयुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी की बारगाह में अर्ज की। उन्हें कहा हुजूर वहां तो पानी नहीं पीने देते, वहां वजू के लिए बैठे थे, नमाज पढ़ते थे, पानी पीते थे। उन्हें कहा इस तरह करो, उन्होंने ये नहीं कहा उनसे जंग कर लो, उन्होंने कहा ना इस तरह कहो ये कासा ये ले जाओ, ये मेरा कासा ले जाओ और जाकर उस तालाब को कह दो, बंदू को नहीं कहो कि उनसे लड़ो, उस तालाब को कह दो कि तुझे ख्वाजा मुइयुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है। बस ये इतना कहना था, खुद नहीं कहा, उनके मुरीद कामल ने, मुरीद सादिक ने कहा। जब वो लेकर पानी के करीब पहुंचा और कहा तुझे ख्वाजा मुइयुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है, बस ये कहना ही थी, उसके मुंह से लफ्ज निकलना ही थे कि वो पानी पूरा सिमट के उस कासे के अंदर आ गया। अब अकल तो ये कहती है कि तालाब के लिए लेने के लिए आज भी साइंस कहती है कि जितना पानी हो इतना बर्तन होना चाहिए, लेकिन बर्तन कितना छोटा था और पानी कितना बड़ा था, इसको कहते हैं करामत। करामत का मकसद यही है जो आपकी अकल से चीज बाहर हो जाए और उसे करामत कहते हैं। जब ये देखी तो 90 लाख उसे 90 लाख हिंदुओं ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबियीन। नारे तकबीर पे का हाथ उठाएं और अल्लाह की वहदानियत का इजहार करें, यहां से लेके जहां जहां तक खड़े हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हादरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। अब उस मुरीद कामल के अंदर, उस मुरीद सादिक के अंदर इतना था कि मेरे मुर्शिद ने मुझे हुक्म किया और उस हुक्म की मैं तामील करूंगा, और उस हुक्म की जब हमने तामील की तो रब ने फिर वहां से अपना करम जाहिर किया, अपनी मेहरबानियां जाहिर की। इसलिए इंसान जब सोचता है कि मैं इतने दूर बैठा हूं, हजारों लोग बैठे हुए, मुझे कैसे शफा मिलेगी, बात यह है शफा कोई बंदा नहीं देता, मेरा खुदा देता है। इसलिए आप इस नीयत से, इस इरादे से यहां बैठे रहे कि मेरा रब फरमाता है पतझड़ का मौसम, मौसम खजां में अनगिनत ला तादाद दरख्त पत्ते होते हैं, मेरी इतनी बड़ी हुकूमत है, मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता। तो भला जिस रब ने आपको भेजा, हुजूर के आप उम्मती हैं, खातम नबीजीन को मानने वाले हैं, आप आए तो कैसे खाली चले जा सकते हैं। अपने नियत और इरादे के अंदर ये रखें कि जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है वही रब हमें शफा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबुव्वत के वसीले से हमारे दिलों के अंदर वो बस एक गिरा है। आपने देखा है, मैंने 7.5 करोड़ इंसानों को देखा है, दुनिया भर में मैंने लोगों को देखा है। अब यकीन कीजिए कि दुनिया के हर अकीदा रखने वाले लोग आए, लेकिन जिस सीने के अंदर से मोहब्बत चली जाती है, प्यार चला जाता है, जिसके अंदर से मोहब्बत चली जाती है वहां शैतान आ जाता है, और जिस सीने के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा आ जाता है। आप अपनी मोहब्बत के इरादों से, अपने प्यार के इरादों से सूफी मसफा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार के दरबार पे आए हैं, इन मोहब्बतों को इरादों को साथ लेके चले कि हाँ हम आए हैं दरे दरवेश पे, हम इसलिए नहीं आए हैं कि खाली हमें शफा मिलेगी,
हम ऐसा तल्लुक कायम करने वाले हैं, ऐसा रिश्ता कायम करने वाले हैं जो दुनिया में नहीं मैशर में भी हमें काम आएगा। क्योंकि हदीस का महफूम है कि जो शख्स दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो मैशर वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा। हमारी मोहब्बत खुदा के साथ है या ताजदार खत्म नबूवत के साथ मोहब्बत है। इसलिए आप अपनी मोहब्बतों को सलामत रखें, अपनी अकीदों को सलामत रखें। लोग 10 साल बाद आते हैं, 15 साल बाद आते हैं, 7 साल बाद आते हैं, मैं ऐसी मूजी मर्ज में था, मुझे ठीक नहीं डॉक्टरों ने कर सके, मैं बिल्कुल लाचार था, मैं मजबूर था, मैं आया हूँ, मैं शफा पा के चला गया हूँ। लेकिन काश, कोशिश कीजिए एक बार शफा पाने के बाद ये सोच लीजिए कि जिस दहलीज से रब ने मुझे शफा दी और कोई नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं सेहतमंद हो गया हूँ, और मैं अपने रूह की गजा ले आऊँ, अपनी मोहब्बत का इजहार कर आऊँ, अपनी वफाओं का इजहार करके आ जाऊँ। तो जब आप वफाओं का इजहार करेंगे तो अपनी आपकी नस्लों को काम आएगा, आने वाले नस्लों के अंदर। क्योंकि मैंने तो हमने तो सीखा है मोहब्बत रसूल, इसलिए आपको भी ये पैगाम है। आप इंशाअल्लाह ताला जो भी आया है, जो भी मर्ज है, अल्लाह उसे दरे रसूल के सदके से इंशाअल्लाह शफाए कामला नसीब अता फरमाएगा। लेकिन ये सोच ले, यहाँ जाने के बाद कोशिश करते हैं लोग, बड़ी हिम्मत किया है, आपकी आंखों के सामने की बात है, बहुत हिम्मत और बड़ी जुर्रत से वो मैदान में आए थे, बने हुए शेर थे, लेकिन बीच में से गीदड़ थे। शेर इसलिए नहीं होते, शेर वो होते हैं जो हुजूर के नाम पे कट के मरते हैं, वो गीदड़ होते हैं जो हुजूर के नाम से मुनाफकत करते हैं। इसलिए बड़े जाहिरी तौर पे बड़े दबदबे और बड़े जोर से आए थे, लेकिन आज उनका जोर खत्म हो गया और पूरे पाकिस्तान में ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद हो गया। अब वो कहां गए, किधर गए? बात यह मेरा रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिनका जिक्र मेरा खुदा बुलंद कर सकता है उनको घटा कर सकता है। इसलिए ये जिक्र, ये मिलाद होते रहेंगे, ये ताजदार खत्म नबूवत की बातें होती रहेंगी, ये हुजूर की इश्क की बातें होती रहेंगी और मुनाफिक जलता ही रहेगा। इसलिए अपने सीने के अंदर, अभी मिलाद का महीना आ रहा है, हुजूर की वो महीना जो रहमतों का, जो पूरी दो जहां के सरदार का महीना आ रहा है, ये उस महीने के लिए अब तैयारी कर लें। बस इस तैयारी से नहीं, मैंने लाखों की महफिलों को देखा है, मैंने 7-7 लाख की महफिलों को इश्क मुस्तफा का पैगाम पहुंचाया है, मैंने यूरोप से लेकर दुनिया भर में ताजदार खत्म नबूवत की बात की है। लेकिन कोई यूरोप नहीं जा सकता, कोई मिडिल ईस्ट नहीं जा सकता, वो अपने घर में तो रहता है ना, उसी घर में हुजूर की महफिल से जा ले, एक छोटी सी महफिल से जा ले। इसमें होता कहीं नहीं, हम कई शादियों पे, कई दोस्तों पे, कई चीजों पे अनगिन पैसे लुटा देते हैं, अपने घर में खुद ही बैठ जाए और हुजूर पे दरूद भेजता रहे, और इस नीयत से भेजता रहे, सुना है आप हर आशिक कर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस ये नीयत करके अपने घर में बैठ जाए, हुजूर उधर ही उसमें करम और मेहरबानी फरमा देंगे। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जो लोग खड़े हैं आप बैठ जाए, तशरीफ रखें, सवाई एक दो खादम, बाकी तमाम लोग आप इस तरतीब अदब से सिखाए जाते हैं, मोहब्बत से सिखाए जाते हैं, लेकिन अदब खुद नहीं आता। ये याद रख लीजिए, अदब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, अदब किसी दुनियादारी में नहीं पढ़ाया जाता। कहते ना, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, ये मकतब की करामत थी फैजाने नजर। अल्लाह चाहता है मैं जिसे चाहूं हदायत दे दूं और जिसे चाहे हदायत से हटा लूं, जिसके चाहे रब सीने के अंदर इश्क मुस्तफा रख दे। इसलिए बस ये अल्लाह की देन होती है कि अल्लाह हमें उन लोगों की सब में खड़ा करे जिनके सीने के अंदर खौफ खुदा इश्क मुस्तफा
साहबा का एहतराम, अहले बैत से मोहब्बत और औलिया का अदब मौजूद है, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जो जन्नत जाने के रास्ते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से पाकिस्तान की खैर फरमाए और दुनिया भर में जहाँ को मुसलमान परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उस पर अपना करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। नीचे हाल हैं, चाहे वो कोई बाहर हैं, कहीं रोड पर खड़े हैं, जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इंशाल्लाह ताला तीन दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर इसके साथ आपके साथ जो मरीज हैं उनके सर पे उनके करीब के रफका हाथ रखेंगे, और तीसरे दम के लिए जो चीज़ भी आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। अभी जो लोग बैठे हुए हैं सभी लोग इस नीयत इस इरादे से अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए कि शफा बन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। दूसरे दम के लिए आपको जहां दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए। नीचे जो हालों में मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने के लिए सलाही है, पानी है, कोई भी चीज है, किसी मरीज को आप फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर की चीज जो चीज दम के लिए सलाही है, तीन खास दम हो चुके हैं। दुआ से कबल मुरीदे सादिक और मुर्शिदे कामल, अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक मुरीद होना चाहता है या बैत होना चाहता है तो बस एक लम्हे के लिए अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है, या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए, जो जो मराद लेके अल्लाह ताला सूफिए बसफा
हजरत इकबिल आलम पीर मुसनिफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बबरकत मजार के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। अभी भी जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे अमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।